आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात हे बजरंगबली महावीर हनुमान जी, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो, आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। हे महावीर, जहां भी आपका नाम लिया जाता है, भूत पिशाचों की पास फटकने की भी औकात नहीं होती, अर्थात भूत प्रेत आदि निकट नहीं आते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी .com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में कोई संकट ना आया हो, पर अगर हमारे माता पिता को अगर कुछ हो जाए तो हमारे पैरों तले जमीन हिल जाती है और हम उन्हें हर संकट से बाहर निकालने का प्रयास भी करते हैं। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उन्हें उस घोर संकट से बाहर निकाला, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहता हूँ। मेरी ये सच्ची घटना मेरी माँ के बारे में है। ये बात 2021 की है। मेरी माँ को घबराहट और बेचैनी होती थी। पहले प्रॉब्लम कम होती थी, जैसे महीने में एक दो बार, फिर ये घबराहट और बेचैनी कुछ ज्यादा ही होने लगी। ये सब होने पर मेरी माँ बहुत रोती थी। हमने बहुत जगह मेरी माँ को दिखाया, लगभग 20 डॉक्टरों के पास गए थे हम। मेरी माँ सिर्फ एक दो दिन ठीक रहती और फिर उनकी हालत खराब हो जाती। ये सब होने पर मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी था। उसी दौरान मैं बुआ जी के घर चला गया और जैसे ही मैं बुआ जी के घर पहुंचा तो मेरी मम्मी को फिर से घबराहट और बेचैनी होने लगी। मेरी मम्मी ने मुझे रोते रोते घर वापस बुला लिया, कहने लगी कि घर आ जा, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब बुआ जी के घर चले जाना। और फिर मैं शाम को ही घर वापस आ गया। जयेश भाई, किसी भी डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही थी। मेरी माँ हर रोज रोती रहती थी। जब मैं 10 साल का था तब से हनुमान जी को बहुत मानता हूँ और आज मैं 19 साल का होने वाला हूँ। मैं हर रोज माँ की अच्छी सेहत के लिए प्रभु से प्रार्थना करता था। मैं मम्मी को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहता था। हनुमान चालीसा के कारण मेरी माँ ठीक रही, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। फिर एक मंगलवार के दिन मंदिर जाकर मैं मेरे हनुमान जी से नाराज होकर कहने लगा कि प्रभु, या तो मेरी माँ को आप ठीक कर दो या ये बीमारी मुझे दे दो, नहीं तो मैं आगे से आपके द्वार पर कभी नहीं आऊंगा और ना ही प्रभु श्री राम का नाम लूंगा। फिर अचानक मुझे पंडित जी की आवाज सुनाई दी। वो पंडित जी को मैं पहले से जानता था। वे हनुमान जी और माँ काली के भक्त हैं, उन्हें विद्या भी आती है। मैंने उनको अपनी सारी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि अपनी मम्मी को मेरे पास लेकर आना मंदिर में। मुझे लगा कि वे कुंडली देखेंगे। फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने पहले भी मंदिर में जाड़ा लगवाया था और कुंडली भी दिखाई थी, लेकिन इतना कहा गया था कि केवल केतु ग्रह का कोई दोष है। फिर भी वो पंडित जी ने कहा कि एक बार माँ को ले आना। फिर मैं हनुमान जी के दर्शन करके माँ को लेकर आया। मैंने पंडित जी को केवल ये बताया था कि मेरी माँ हमेशा रोती रहती है। फिर उन्होंने बाकी सारी बातें अपने आप बताई थी, जैसे कि घबराहट, बेचैनी, भूख न लगना और डरना। फिर उन्होंने कुछ काम कहे, वो मैंने किए और हनुमान जी के दर्शन करने को कहा और हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करने को कहा और माँ काली के लिए बीड़ा पान लाने के लिए कहा और बाकी भोग उन्होंने ही लगाया माँ काली को। उन्होंने हमारा हवन भी किया था जिसमें हम सब थे और एक हवन खुद किया था जिसमें किसी को नहीं बुलाया था। उन्होंने हनुमान जी को अर्जी यानी दरखास्त भी लगवाई थी मंदिर में, जो मेहदीपुर बालाजी के दरबार में लगती है। मेरी माँ पर किसी का बुरा साया था। पंडित जी ने कोई लालच नहीं किया, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। पंडित जी ने मेरी माँ को ठीक कर दिया। कहते हैं ना, जिसके साथ बजरंग बली होते हैं वो कभी हार नहीं सकता। मेरे प्रभु ने मुझे रास्ता दिखाया जिससे पंडित जी मुझे उसी टाइम मिले, क्योंकि वो कहीं गए थे और उसी दिन आए थे। मेरे प्रभु ने मेरी माँ को ठीक कर दिया। अपने भक्त के द्वारा एक भक्त का जीवन बचा लिया। फिर मैंने प्रभु पर जो गुस्सा किया था उसके लिए मैंने उनसे क्षमा मांगी। हमारे घर में पहले से ही हनुमान जी को बहुत मानते हैं। वैसे तो हमारी कुल देवी माता मनसा देवी है और हमारे इष्ट देव हनुमान जी है। धन्यवाद मेरे हनुमान जी का। मेरी एक और इच्छा है कि मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो जाए। और हाँ, मेरी माँ को एक दिन सपना आया कि एक व्यक्ति मेरी माँ से पूछ रहा था कि क्या तुम अब ठीक हो। फिर मेरी माँ ने कहा कि हाँ ठीक हूँ। तब से मेरी माँ भी हनुमान जी को बहुत मानने लगी और उनका उन पर विश्वास और बढ़ गया और हमारा भी। तो दोस्तों, देखा आपने, जब एक दुखी भक्त प्रभु से सच्चे दिल से मदद की गुहार लगाता है तो प्रभु उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। बस जरूरत है तो सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म की। देखना, वे आपको हर संकट से बाहर निकालेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली।
तो दोस्तों कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।